पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। हालांकि कुछ राज्यों ने ही पिछले दिनों वैट में कटौती की, लेकिन अभी भी ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट ज्यादा है और इसी वजह से केंद्र इस मामले में लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करता हुआ नजर आया। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो हमने आपको बताई और तमाम इससे जुड़े जो पहलू थे वो भी हमने आपको समझाए। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो यहां पर केंद्र सरकार ने यह राहत दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस राहत वाले कदम पर भी विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा और इसी वजह से विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष का यह कहना है कि महंगाई के मामले में घिरी केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव में यह बड़ा कदम उठाया है और इसमें भी कई तरह के आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे, 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे जो कई तरह के आरोप जो हैं वो यहां पर लगा रहे थे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से आपको बता दें एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान किया कि इस साल उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले सिलेंडर की कीमतें जो हैं उनमें 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हम आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत देश के 9 करोड़ लाभार्थियों को इस कदम का सीधा सीधा फायदा होगा। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागत योग्य कदम रही है सरकार की, और इसे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। रुपए 9 रुपए से कुछ भी नहीं आना पड़ेगा। बॉर्डर्स मानने वालों के लिए मिनिमम 100 रुपए, 20-30 रुपए काम हुए तो अच्छा रहता। मिनिमम एक 1 लीटर तो भी 100 रुपीज में आता, फिर भी अच्छा हो रहा था। 10-20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं, गरीब मिडिल। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ और कम होता हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, उसमें हम और आप क्या करें, ऊपर से ही लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, ये अभी बढ़ गए हैं, अभी और कम होंगे सर। अपेक्षा है, पूरा अपेक्षा है, अब होना है। नहीं, राहत की खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। बट अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने चाहिए, कि जो पहले थे 65 से 70 रुपये के बीच में वो आ जाने चाहिए, जिसे सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, भाड़ा, खाद्य पदार्थ, तेल, तो ये सब चीज़ों में कमी आएगी तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी और ये मोदी सरकार की बहुत अच्छी खबर है। ये
इसी की वजह से सारी सब चीजें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी अब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। बढ़िया है, बट ये कांस्टेंट रहे तब ना, अभी अभी 9 हुआ है, फिर 19 बढ़ा देंगे, फिर 9 कम कर देंगे। बात तो वही आ रही है प्रॉफिट मेकिंग पे, या देखते हैं क्या बनता है। क्या तो जो अभी रिसेंटली कम किए हैं वो थोड़े लगता राहत राहत तो तब है, एक जगह बढ़ाओ दूसरी जगह से निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से।